अमीर गरीब चुड़ैलों का बंटवारा। फैमिली प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े तो हर इंसानी परिवार में चलते ही रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में भी ऐसा होता है? जी हाँ, और आज की हमारी कहानी आपको इसी का मजा दिलाएगी। विद्या के दो बेटे थे। एक बेटे की शादी पहले ही सितारा नाम की एक चुड़ैल से हो चुकी थी। मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू। सितारा एक बहुत ही मिलनसार चुड़ैल थी। जैसे जैसे उसकी सास उसे बोलती रहती, वैसे वैसे ही वो उसका कहा मानती रहती थी। एक दिन विद्या ने सितारा से कहा, बहू तेरे देवर के लिए एक बहुत अमीर चुड़ैल का रिश्ता आया है। मैं आज उस चुड़ैल को देखने जा रही हूँ, तो तू भी साथ चलना। जी। दोनों चुड़ैल सास बहू और दीपक उस अमीर चुड़ैल के घर रिश्ता लेकर चले गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि तभी कंचना की माँ ने उसे चाय बनाने को बोला। मम्मी, घर में नौकरों की कमी है क्या? अरे इतने सारे नौकर हैं, किसी को भी बोलकर चाय बनवा लो। जरूरी तो नहीं कि मैं ही चाय बनाऊं। अरे बेटा, अपने ससुराल वालों के लिए लड़की खुद अपने हाथों से ही चाय बनाती है। अब जल्दी जा और चाय बना कर ला। उफ, ये फॉर्मेलिटीज। कंचना बड़े ही एटीट्यूड में वहाँ से उठी और चाय बनाने पहुँच गई। विद्या को उसका बर्ताव कुछ पसंद नहीं आया। माफ करना बहन, लेकिन आपकी बेटी पैसे से भले ही अमीर हो, लेकिन संस्कारों से जरा भी अमीर नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस हमारी बच्ची बहुत नाजों में पली है ना, इसलिए थोड़ी अपनी मन मर्जी की है, और कोई बात नहीं है। ये दिल की जरा भी बुरी नहीं है, यकीन मानिए। तभी किसी के भी कुछ बोलने से पहले विद्या का बेटा दीपक बोल पड़ा। सही कहा आपने आंटी जी, मुझे भी यही लगता है, और मुझे तो आपकी बेटी पहले ही नजर में पसंद आ चुकी है। अब इस दिल में कोई और जगह नहीं बना पाएगा। वाह, होने वाले दामाद जी, आप तो बड़े ही रोमांटिक हो। तभी वहाँ कंचना हाथों में एक बड़ी सी ट्रे लेकर सभी के लिए चाय ले आई। लो पी लो सभी चाय। ये क्या तरीका है कंचना, इन लोगों की वजह से मुझे आज नौकर वाला काम करना पड़ा। हाँ, पिलाओ इन्हें चाय और भगाओ जल्दी से यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, हमें ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। तभी विद्या की बात काटता हुआ दीपक बोल पड़ा। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे, खुद कंचन भी। सच, शुक्रिया शुक्रिया, लीजिए सभी मुँह मीठा कीजिए। उसने सबको जबरदस्ती मिठाई खिलाई और फिर सभी वहाँ से आ गए। क्या जरूरत थी इतनी बदतमीज चुड़ैल से रिश्ता पक्का करने की? मैं कल ही जाकर सब कुछ खत्म कराऊंगी बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या हो गया दीपक जी, आप माँ की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हम भूत चुड़ैलों की यही तो खासियत है कि हम किसी की नहीं सुनते हैं, और बुराई हमारी पहचान है। तो फिर कंचना में आखिर क्या खराबी है? मुझे वो पसंद आ चुकी है और मैं उसी से शादी करूंगा, और अगर किसी को भी इससे कोई भी परेशानी है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। दीपक ने किसी की भी बात नहीं मानी और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी कंचना से हो गई। घर में कदम रखते ही, हाँ कितना छोटा और बेकार घर है, मेरा घर तो बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने किन भूखे नंगो के यहाँ मेरी शादी कर दी है। तुम्हें हम भूखे नंगे लगते हैं? हाँ, और आप सबसे बड़ी भूखी नंगी लग रही हो। कंचना बस बहुत हुआ। अरे नलायक, आज तेरा तेरे ससुराल में पहला दिन है, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर। कैसे शर्म, मुझे शर्म नहीं आती, अभी आपने तो मेरा बेशर्म रंग देखा ही कहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपके पास बस यही सवाल है, मुझे आप जैसी बोरिंग लोगों के साथ नहीं रहना है। सुनो दीपक, आज के आज इस घर का बंटवारा करो, और नहीं तो मुझे भूल जाओ। दीपक कंचना के प्यार में अंधा हो चुका था। नहीं कंचना, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। इस घर का बंटवारा होगा और अभी के अभी होगा। दीपक ने किसी की भी एक नहीं सुनी और कंचना की बातों में आकर उसने तभी पूरे घर का बंटवारा कर दिया।
अपने बड़े भाई के मुकाबले उसका काम ज्यादा अच्छा था, तो घर का तीन तिहाई हिस्सा और सारी कीमती चीजें अब दीपक के हिस्से में थी। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर है, कम से कम मुझे यहाँ गरीब लोगों की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, एक माँ को उसके बेटे से अलग करके तो खुश हो रही है, नालायक चुड़ैल। आपको कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मुझे शर्म नहीं आती है? तुम्हें अपने किए पर एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा, एक दिन तुम्हारा ये घमंड जरूर टूटेगा कंचना, तब तुम्हें पता चलेगा कि दिल दुखना किसे कहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया हा? कंचना एक बेहद घमंडी चुड़ैल थी और उसे ये सब करके बहुत मजा आ रहा था। घर के बीच में एक दीवार बनाई जा रही थी, अभी दीवार पूरी नहीं बनी थी कि तभी दीवार के पास वो आई। अरे कहाँ हो सासू माँ जेठानी जी, कहाँ हो? माँ लगता है कि कंचना हमें बुला रही है। बुलाने दे अगर बुला भी रही है तो। एक बार सुन लेते हैं ना माँ, हो सकता है कि अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। पागलों वाली बात, उस कायर को कभी भी एहसास नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर तू बोल ही रही है तो चल चल कर देख लेते हैं। दोनों सास बहू दीवार के पास पहुंच गई। आप दोनों बहरी हो क्या? मैं कब से चिल्लाए जा रही हूँ लेकिन आपको कोई भी असर नहीं है। क्यों बुलाया है हमें यहाँ? ओहो ज्यादा हाइपर मत होइए, आपके फायदे की बात है, ये लो गरीबो। कंचना ने ऐसा बोलकर अपनी सास और भाभी पर नोट लुटाने शुरू कर दिए। अरे बंद कर ये सब, बंद कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बंद कर दे ये नाटक। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? बंद करो ये सब। दोनों सास बहू रोते हुए हाथ जोड़कर बैठी हुई थी, लेकिन कंचना थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा बेटा मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, बचपन से मेरी ही हुई परवरिश, सब कुछ भूल गया वो मुझे, बस एक सुंदर बीवी के लिए। विद्या ने ये बात रोते हुए बोली और ये सारा मंजर दीपक ने दरवाजे पर खड़े होकर देख लिया था। अपनी माँ के रोते हुए बोले गए शब्द उसके दिलो दिमाग पर छा गए और वो कंचना के पास गया। कंचना, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे सुनाई देता है। बंद करो अपना ये नाटक। अरे ये क्या कोई नाटक है जो मैं इसे बंद कर दूं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ओहो आप चाहते क्या हो? अभी तक तो मुझे न जाने क्या हो रखा था, जो मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था, लेकिन मेरी माँ के आंसुओं ने मुझे फिर से सही रास्ता दिखा दिया। देखो कंचना, अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हाँ एक और बात, अब इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। ओहो तो तुम मुझे धमका रहे हो, ठीक है तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। अभी बुलाती हूँ मैं अपने पापा को, वो आएंगे और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस जेल से ले जाएंगे। कंचना ने बहुत घमंड में आकर अपने पापा को फोन मिलाया, लेकिन उसके पापा ने आने से साफ इनकार कर दिया। देखो बच्ची, अपनी इस आदत को सुधार लो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना पड़ेगा। उसके पिता ने ऐसा बोलकर फोन काट दिया। कंचना का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था और अब उसके पास सबके साथ मिलजुल कर रहने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। सभी को मिलजुल कर रहते हुए अब कई दिन बीत चुके थे। कंचना भी सभी के साथ रहकर काफी खुश थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। रात के समय ट्रेन अपनी पूरी स्पीड के साथ चल रही होती है। इतनी आधी रात के समय ट्रेन के सभी पैसेंजर अपनी सीटों पर आराम से सुस्ता रहे होते हैं, लेकिन पूरी ट्रेन में केवल एक विशाखा नाम की लड़की खिड़की के पास बैठी हुई अपने पुराने लम्हों को याद कर रही होती है। कितनी छोटी थी जब मैं मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन तक लेकर आई थी। मुझे रेल के अंदर बिठाया था और मेरे लिए कैंडी लेकर आई थी। वो दिन मेरी माँ का और मेरा आखिरी दिन था। काश कि ऐसा हो पाता कि मैं अपनी माँ से फिर दोबारा मिल पाती। विशाखा ऐसा सोचकर रोने लगती है, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठती है और उसे हमदर्दी दिखाते हुए कहती है। लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो बेटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लो खाना खाओ। उस बूढ़ी औरत का खाना लेकर विशाखा खाने लगती है, तभी अचानक से ट्रेन के अंदर की बिजली ऑन ऑफ होने लगती है। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा ये अचानक से ट्रेन की बिजली ऑन ऑफ क्यों होने लगी? तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के बाद पूरी ट्रेन का दृश्य बदल जाता है। वो एक भूतिया ट्रेन बन जाती है और एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसका नाम होता है बदलापुर। ये तो बदलापुर स्टेशन है,
ट्रेन यहाँ पर आकर क्यों रुकी है? तभी ट्रेन के अंदर की लाइट आ जाती है और ट्रेन का दृश्य देखकर विशाखा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो डर के मारे ट्रेन से बदलापुर स्टेशन पर उतर जाती है, जहाँ वो रेलवे स्टेशन पर खूब सारी लाश और फर्श पर खून देखती है। ये मैं आज कहाँ फंस गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। विशाखा अपनी माँ को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल और उसकी बेटी प्रकट होती हैं। कहाँ जा रही है? तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ इसको छोड़ना नहीं। माँ हमें इसके जैसी और औलादों को मारना है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इन जैसे लोगों को मारकर हमें हमारी मौत का बदला मिलेगा। आखिरकार ये बदलापुर जो है तो देरी किस बात की है माँ, चलो आज इसको भी मार देते हैं, तभी इसकी माँ से बदला ले पाएंगी। नताशा और उसकी चुड़ैल माँ दोनों ही बेचारी विशाखा को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। नहीं नहीं मेरे पास बताओ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ। विशाखा के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता बेटी। देखो तो सही, इसको बचाने इसकी माँ आई है। परसों बाद बदला आज जाकर पूरा होगा मेरा, तुझे आज बहुत तड़पा तड़पाऊंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर बिचारी विशाखा की माँ की आत्मा के नजदीक आने लगती है। देखते ही देखते एक आत्मा और चुड़ैल के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर किस वजह से वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी विशाखा की माँ की आत्मा से बदला ले रही थी? चलो ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये उस समय की बात है जब विशाखा बहुत छोटी थी। चलो बेटी ट्रेन में बैठ जाओ। सनाया अपनी बेटी को ट्रेन में लेकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक से विशाखा को रेलवे स्टेशन पर कॉटन कैंडी दिखाई देती है। माँ वो देखो कितनी प्यारी कॉटन कैंडी है, मुझे वो कॉटन कैंडी खानी है माँ। ओहो मेरी बेटी को कैंडी खानी है, रुको बेटी मैं तुम्हारे लिए अभी कॉटन कैंडी लेकर आती हूँ। सनाया ऐसा कहने के बाद ट्रेन से उतरकर अपनी बेटी को कॉटन कैंडी लाकर देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ट्रेन में बैठकर सफर करने लगती हैं। देखते ही देखते उन्हें रात हो जाती है और रात के चलते उनकी आंख लग जाती है। तभी अचानक से ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है और वो रुक जाती है। ट्रेन एक बदलापुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। ओह ये क्या, अचानक से ट्रेन क्यों रुक गई? तभी वहां पर ट्रेन का टीसी आता है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ देर के लिए ट्रेन यहाँ रुकी है, ट्रेन में कुछ परेशानी लग रही है, जैसे ही रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी ट्रेन दोबारा शुरू हो जाएगी। तभी उस ट्रेन में एक डरी हुई और सहमी हुई लड़की और माँ बैठी होती है। डरो मत नताशा, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। उन दोनों को देखकर सराया उनसे पूछने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक आदमी आता है और उर्वशी के पास आकर खड़ा हो जाता है। उर्वशी उसे देखकर डर जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसे ट्रेन से नीचे उतार देता है। छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इतनी जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अरे ज्यादा मच मच करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं सब जानता हूँ तेरी चालाकियों को। अरे माँ जरा उन आंटी को देखो जो बाहर है, वो आदमी उनके ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, आपको उन्हें बचाना चाहिए। विशाखा की बात सुनने के बाद सनाया ट्रेन में से उतरती है और उस आदमी से कहती है, अरे तुम क्यों इस औरत को परेशान कर रहे हो, आखिर हो कौन तुम? मैं इस औरत का पति और इस लड़की का पिता हूँ, अब और कुछ जानने की जरूरत है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ, ये हमारा आपस का मैटर है, हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। तेजा की ये बात सुनकर सनाया ट्रेन में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद तेजा उर्वशी और उसकी बेटी नताशा को रेलवे स्टेशन के कमरे में ले जाता है और वहाँ एक बड़े से चाकू से उन दोनों को मार देता है, जिसके बाद ट्रेन भी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। आज के बाद जो भी यहाँ से गुजरेगा वो बचकर नहीं जाएगा। जब कोई हमारी मदद ही नहीं कर सकता तो किस लिए इस दुनिया में जिएगा, हम सभी को मार देंगे।
उस दिन के बाद से दोनों चुड़ैल माँ बेटी बदलापुर के स्टेशन पर रात के समय लोगों का शिकार करती हैं और उन्हें मार देती हैं, जिसके चलते आए दिन बदलापुर पर कोई न कोई केस होता रहता है। कुछ साल बाद फिर से विशाखा उसी रास्ते से सफर करती है और अपनी माँ को याद करती है और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर आकर फंस जाती है, जहाँ उसके सामने दोनों चुड़ैल माँ बेटी होती है, जिसकी जान बचाने उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ आ जाती है। अगर उस दिन तुम मेरे रो रहे चेहरे और मेरी बेटी की मासूमियत को देखकर लोगों से मदद मांगती तो शायद आज मैं बच जाती। मैंने आपको इशारे में जाने से रोका भी था, लेकिन आप नहीं रुकी। आपको तो केवल अपनी ही बेटी नजर आई। आपको हमारी जान की जरा भी परवाह नहीं हुई। आज हम आपको मारकर अपनी मौत का बदला लेंगे। सही कहा तुमने, मैं चली गई थी वहाँ से, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई थी कि मुझे उस आदमी से डर लग रहा था, बल्कि इसलिए चली गई थी ताकि मैं अपनी बेटी को आगे के सफर के लिए तैयार कर सकूं। ट्रेन में जाने के बाद मैंने अपनी बेटी से आखिरी बार बात की थी, उसके बाद मैं ट्रेन से उतर गई थी। जब मैं ट्रेन से उतरी तो मैंने उस आदमी को तुम्हें मारते हुए देख लिया था। तुम्हारे मरने के बाद उस आदमी ने मुझे भी मार दिया था, ताकि मैं किसी को सच न बता सकूं। लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। ये सब सुनने के बाद चुड़ैल और उसकी बेटी अचंभित रह जाती है। इसका मतलब तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इसका मतलब यही था। वो रीजन जिसकी वजह से आपने आज तक मुझे सपनों में कभी भी हकीकत के बारे में नहीं बताया। आप मेरे सपनों में आती तो थी, लेकिन हमेशा बदलापुर के स्टेशन के मुझे सपने दिखाती। मैं बस इतना चाहती थी बेटी कि तुम मुझे किसी तरह इस रेलवे स्टेशन पर पुकारो, ताकि मैं आकर इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से मुक्त कर सकूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम कुछ बदल नहीं सकती हो। लोगों को मारना बंद करो, यहाँ से चली जाओ। सनाया के समझाने पर दोनों चुड़ैल माँ बेटी समझ जाती हैं और वहाँ से मुक्त होकर चली जाती हैं, जिसके बाद विशाखा भी अपनी माँ की आत्मा से आखिरी बार मिलती है। उसके बाद उसकी माँ भी हमेशा के लिए चली जाती है और विशाखा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है।